दोस्तों आज हम आए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और मिलिए इससे। दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के सारे डिपार्टमेंट लगभग मैंने आपको दिखा चुके हैं। सामने है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का हॉस्टल है आईएन गुलटू। गुलटू हॉस्टल बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है बनाने में, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट जल्दी से जल्दी उसको कवर कर लिया जाएगा। आज इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हम आपको पूरा दिखाएंगे कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एरिया कितना बड़ा है और मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें हैं अंदर आपको देखने लायक। तो चलते हैं, धीरे धीरे गाड़ी लेके जाएंगे और अनस्क्रिप्टेड बनाएंगे। ये जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स डिपार्टमेंट है इधर, मतलब अगर हम ऐसे इंटर करेंगे तो ये IIT का मेटलर्जी डिपार्टमेंट है। मेटलर्जी डिपार्टमेंट अभी IIT का है इसलिए हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन आप इधर देख सकते हैं इधर जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जियोलॉजी डिपार्टमेंट है और जियो फिजिक्स डिपार्टमेंट है। दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो पूरा देख लीजिए। ये गेट के अंदर की सारी चीज़ें मैंने बना दी हैं, मतलब फिल्मा दी है। आगे बढ़ेंगे तो ये मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का ये डिपार्टमेंट है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में रखा क्यों गया है पता नहीं, कोई ना कोई अब कुछ ना कुछ तो इसमें ज़रूर दिमाग लगाया गया होगा, लेकिन आई डोंट नो। आगे चलते हैं हम लोग। आप इधर देख सकते हैं इधर भी वही है आमने सामने। यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे, ये रहा हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट देख रहे हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है, इसकी मेन बिल्डिंग यहाँ आगे है। मेन बिल्डिंग के सामने खड़े होकर के मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा। ये स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट हमने कवर कर लिया है। स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के साथ साथ अब जैसे यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, ये लिंक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब पहले से बनाया जा चुका है। बगल में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है और बगल में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है, और ये फिजिक्स डिपार्टमेंट है अपना पीछे से। फिजिक्स डिपार्टमेंट न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरीज का नाम है। ये यहाँ पे रिसर्च चलते रहते हैं, यहाँ पे अंदर रिसर्चर पढ़ते रहते हैं। कई रिसर्चर पूछ रहे हैं कि मतलब क्लासेस चलने लगी कि नहीं चलने लगी, और आगे तो क्लासेस चलने लगी हैं। ये मैथमेटिकल डिपार्टमेंट है, मैथमेटिक्स का है, इसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा। और ये हमारा है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट मतलब BHU का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो BA/BSc मतलब BA/BSc दोनों की डिग्री देता है, और ज्योग्राफी डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से कवर किया जा चुका है। अब हम गेट से बाहर निकलेंगे, बाहर निकल करके जैसे ही बाहर निकलेंगे हमें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स दिखेगा। सामने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है और इधर देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। तो हम अभी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दाहिने जाएंगे और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ही देखेंगे, पूरा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। ये दुकान है बाहर छोटा सा, ये फिजिक्स डिपार्टमेंट है। फिजिक्स डिपार्टमेंट मैंने कवर कर दिया था, मैं आपको अंदर ले चल के दिखाता हूँ एक बार। आप देख सकते हैं भौतिकी विभाग है ये फिजिक्स डिपार्टमेंट, और अंदर चलेंगे फिजिक्स डिपार्टमेंट के तो आप देखेंगे कि फिजिक्स डिपार्टमेंट कुछ इस तरीके का दिखेगा। सेपरेट वीडियो सबके लिए मैंने बना दिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी आनंद आएगा। एकदम रियल लुक, अंदर से कैसा दिखता है, बाहर से कैसा दिखता है, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली, सब कुछ की बातें की जा चुकी हैं। तो ये रहा हमारा फिजिक्स डिपार्टमेंट जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आता है। अब हम आपको केमिस्ट्री डिपार्टमेंट दिखाने वाले हैं। दोस्तों ये रहा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हमने कवर कर दिया था। ये वीडियो इतना शॉर्ट इसलिए बनाया है क्योंकि वीडियो शॉर्ट बनाने के पीछे भी एक रीज़न है। जब पहले से इसको कवर कर चुके हैं तो क्यों ना मतलब बार बार ये एक ही चीज़ कैसे दिखाएं। तो आप अगर ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट देखना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर कवर करिए। आप जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरा देखिए और आपके लायक क्या चीज़ें मिल रही हैं
उसको सेलेक्ट करिए, निकालिए। अब केमिस्ट्री डिपार्टमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन हम यहाँ से दाहिने मुड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आगे रास्ता ब्लॉक है, ये है एसएस जोशी, प्रोफेसर एसएस जोशी ऑडिटोरियम, पीछे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। अब आपको मैंने क्या दिखाया, अब एक राउंड और लेंगे, बाहर निकलेंगे, यहाँ से गेट से बाहर निकलेंगे। इधर चलेंगे, इधर सामने जूलॉजी डिपार्टमेंट है। जूलॉजी डिपार्टमेंट बाहर से बंद है, लेकिन अंदर से पूरा मैं दिखा चुका हूँ, एक बार आप कवर करिएगा। और यहाँ से हम गाड़ी घुमाएंगे, क्योंकि देखिए अभी भी ये जूलॉजी डिपार्टमेंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो अभी भी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आ रहा है। ये यहाँ पे बोर्ड लगा है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का। अब यहीं से हम लोग यू टर्न लेंगे पीछे की तरफ। आगे चलते रहेंगे। ये जूलॉजी डिपार्टमेंट जैसा आपने देखा वैसा, जूलॉजी डिपार्टमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर देखिएगा, अच्छे से कवर किया गया उसको। और आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा, अब जो भी चीज़ें छूट गई होंगी वो बताइएगा, बोर्ड के सामने खड़ा करिएगा। तो इधर से अंदर घुसेंगे हम लोग। ये देखिए, ये जो भी डिपार्टमेंट है, अगर किसी को लगता है कि नहीं हाँ हमें कवर करना चाहिए तो वो बताए, हम कवर करेंगे। अब फिर से हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक बार इंटर किए हैं। देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग किसकी है? डी बी टी बी एच यू की बिल्डिंग है ये। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंडर में आता है, लाइफ साइंस जिसको भी बोला जाता है, इंटर डिसिप्लिनरी स्कूल ऑफ लाइफ साइंस बी एच यू का ये है। और एक बार मैं खड़े होकर के आपको दिखाता हूँ, सेंटर फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये सेंटर फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स है ये, मतलब ये इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंडर में आता है। और ऐसे आप देख सकते हैं, ये डी बी टी बी एच यू है, इंटर डिसिप्लिनरी स्कूल ऑफ लाइफ साइंस वो है, और ये सेंटर फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए ये है बिल्डिंग, और उसके लिए वो दूसरी बिल्डिंग बनी हुई है। और हम लोग गाड़ी से आगे जाएंगे अभी और देखेंगे। ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट दिखा दिया गया है, और आगे चल के देखते हैं कि नहीं हाँ हमें और क्या चीज़ें मिल सकती हैं। एक डिपार्टमेंट ये भी है, सेंटर फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो उस इन्फॉर्मेटिक्स में, इस इन्फॉर्मेटिक्स में क्या अंतर है अब भगवान जाने, लेकिन आपको जो दिखाना था मैंने दिखा दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के हॉस्टल हम कवर करेंगे जल्द से जल्द। तो आगे चलते आएंगे, हमको डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री दिखा, और अब मैं यहाँ से खड़े होकर के आपको बता सकता हूँ, ये डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है, वो फिजिक्स डिपार्टमेंट है, और सामने ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है, मैथ डिपार्टमेंट है, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, और इधर मेटलर्जिकल साइंस है, और इधर है डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। तो ये पूरा जो थोड़ा सा जो एरिया है वो आईआईटी बीएचयू ने एक्वायर किया हुआ है, और जो सभी चीज़ें हैं यहाँ पे वो फैकल्टी ऑफ साइंस ने एक्वायर की है। मैं अभी उस रोड से अंदर आ रहा था, सडनली कैमरा बंद हुआ तो मैं यहाँ पे रुक करके स्टार्ट किया। अब बस इतनी सारी चीज़ें हैं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आपको दिखाने लायक, अब इससे न एक ज़्यादा है न एक कम है। तो अगर कुछ चीज़ें छूट गई हों, बॉटनी जूलॉजी, मतलब आप समझ लीजिए कि ईच एंड एवरीथिंग हमने कवर कर दिया है। एग्रीकल्चर को भी कवर कर दिया है, एग्रीकल्चर के दोनों हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल को भी कवर कर दिया है। तो दोस्तों इसी हिसाब से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है आप ये वीडियो देखने के लिए, बने रहिए हमारे साथ, हम आपको ऐसे ही एक एक चीज़ों से मिलाते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। इधर आओ, नाचो नहीं, नाचो नहीं, इधर इधर आ जाओ।
क्या है क्या है क्या है क्या है, आओ इधर आओ भाई, आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अरे ठीक है ठीक है।